नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। और अभी हम जो है सुनहरा स्थित जीवन दीप आश्रम में है, जो आश्रम के अंदर जीवन दीप अकेडमी स्कूल है। यहाँ पर आज रविवार को आश्रम में गुरु जी है, जो कि हमारे स्वामी यत्नगिरी महाराज जी, उनके द्वारा यहाँ पर निःशुल्क एक चिकित्सा शिविर कैंप लगवाया गया है, जिसमें जितनी भी रोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर सभी का चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है। और बाहर से डॉक्टर आ रखे हैं, स्पेशलिस्ट आ रखे हैं, उसमें आंखों के हों, हड्डियों के हों, चाहे किसी भी बीमारी का रोग हो, यहाँ पर आके आप चेक करा सकते हैं। इस तरह के लिए एक एक दिवसीय कैंप लगाया गया है। हम बात करेंगे स्वामी यत्नानंद जी से, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी। दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो आज ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। जीवन दीप आश्रम समय समय पर सामाजिक सेवा के लिए कार्य करता रहता है, और आज आश्रम में निःशुल्क ये मेडिकल कैंप, चिकित्सा कैंप रखा गया है, जिसमें वैक्सीन का भी है और आँख का, नाक का, कान का, गले का, महिला रोगों का, बच्चों के रोगों का, दांत का, थायराइड का, बीपी का और कोलेस्ट्रॉल, सभी प्रकार की यहाँ पर आज और परीक्षण हो रहा है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी हो रहा है, और बहुत योग्य डॉक्टर, जिसमें हमको जिला अस्पताल ने भी मदद की है, क्वाड्रा हॉस्पिटल से, आरोग्यम से, ओम इंस्टीट्यूट से, और स्थानीय भी एक बड़ी टीम डॉक्टरों की यहाँ पर आज उपस्थित है। लगभग 18 डॉक्टर यहाँ पर अलग अलग पेथी के हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। तो ये जनसेवा में आश्रम की तरफ से समय समय पर होता रहता है, और समाज को इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगे रहना चाहिए। समाज के सहयोग से ही ये सब यहाँ भी संभव हो रहा है। नगर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हमारे आदरणीय सुरेश जैन जी पधारे हैं, डॉक्टर अमन गुप्ता हैं, और पंकज नंदा जी हैं, डॉक्टर टेक वल्लभ जी हैं, राकेश जी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं जो पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और पूरे क्षेत्र के आसपास के सलेमपुर, मतल्लापुर, सुनहरा, श्याम नगर, मंगल विहार, काशीपुरी, नई बस्ती, पूरे क्षेत्र के दूर दूर के अब तक लगभग 400 से अधिक और लोग यहाँ पर अपना दिखा भी चुके हैं, दवाई भी ले चुके हैं। महिला रोग के लिए भी अलग से महिला डॉक्टर यहाँ पर आई हैं। बहुत अच्छी तरह से ये शिविर चल रहा है। जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी दूर दराज से डॉक्टर्स आए हैं, काफ़ी संस्थाओं का सहयोग है। जो वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, वो जो बच्चे हैं उनके लिए है या बड़ों के लिए भी रहेगा? वैक्सीन ये सभी के लिए है, जिनके लिए अधिकृत है, बच्चे हों या जिनकी जो वैक्सीन का विधान बना है उसके अंतर्गत जो भी लोग आ रहे हैं, सबको वैक्सीन लग रही है। बात करेंगे पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन जी से कि वो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आज यहाँ पर निशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया गुरु जी के, स्वामी जी के आश्रम में। देखिए, ये जीवन दीप आश्रम जो है, स्वामी जी, इसमें स्वामी यतिनंद गिरी जी, ये समय समय पर जन सेवा के कार्य करते रहते हैं, और जन सेवा के कार्यक्रमों में उसमें ही आज ये इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण शिविर, जिसमें हर मरीज का डॉक्टर जो है यहाँ पर वो है, और इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए, और उनको फ्री दवाइयाँ भी मिल रही हैं, मतलब हर बीमारी की दवाई भी मिल रही है, चाहे वो हड्डी रोग से संबंधित हो, चाहे वो घुटनों से संबंधित हो, चाहे वो जो है थायराइड हो, चाहे हार्ट की हो, कैसी बीमारी हो, उसका सब चेकअप हो रहा है। और ये वास्तव में साधुवाद है, मतलब ऐसे ऐसे जो सोचते हैं स्वामी जी, इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद। तो पूर्व विधायक जी ने भी अपने विचार रखे और स्वामी जी ने विचार रखे, सभी ने बताया कि ये जो चिकित्सा शिविर है ये बहुत ही सराहनीय है, और इस तरह के सराहनीय कार्य जो होते रहते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, हम सभी को अपना अहम योगदान देना चाहिए, बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में अपना योगदान देना चाहिए। हमारे साथ समाज से भी पंकज नंदा जी भी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा नंदा जी भी है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम मैडम से बात करेंगे जी।
सबसे पहले तो हम यहाँ पर आए हैं जीवनदीप आश्रम में स्वामी जी के आशीर्वाद से। आज यहाँ पर एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है जिसमें हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या आई स्पेशलिस्ट हो, हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। तो इस तरीके कार्य स्वामी जी करते रहते हैं समय समय पर और लोगों को इसका लाभ मिलता रहता है। और जिस तरीके से बूस्टर डोज लग रही है या बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहा है तो बहुत ही अच्छा कार्य स्वामी जी कर रहे हैं और ऐसा करते रहना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं आगे भी किस तरह रहेंगे, पहले भी हुए हैं क्या? पूर्व में भी आश्रम की ओर से ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जाते रहे हैं और अभी कन्याओं के ऊपर कार्यक्रम हुआ था। आज भी लगभग हर क्षेत्र से डॉक्टर हैं, चाहे वो आरोग्यम से हों, सिविल हॉस्पिटल से हों, आयुर्वेद क्षेत्र से हों, एलोपैथिक क्षेत्र से हों, वेदांतम से आई स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी प्रकार की दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं जिसमें सभी लोग सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जड़ी बूटियों से दवाई जो बनती है, औषधि बनती है, उनके भी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर टेक पल्लव, उनसे भी जान लेते क्या कहना चाहिए। ये बहुत ही सुखद अनुभूति का आज अनुभव हो रहा है इस जीवनदीप आश्रम में। महाराज जी के द्वारा ये आयोजित किया गया है चिकित्सा शिविर जिसमें सभी तरह का जांच भी, निदान और चिकित्सा, और चिकित्सा के साथ साथ जो दवाई यहाँ दी जा रही है वो भी 10 से 15 दिन की दवाई दी जा रही है जिससे रोगी को लगभग एक नए मरीजों का सबका आराम पूर्णतया हो जाता है, ऐसा पूरा ध्यान रखते हुए दवाई दी है। मेरे साथ ही कई आयुर्वेदाचार्य बैठे हुए हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी हो रही है, मैं भी यहाँ चिकित्सा दे रहा हूँ और शरबत अमृत बेल का यहाँ निःशुल्क वितरण सभी के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद वाले भी आ रखे हैं, आयुर्वेद के भी मरीज आ रखे हैं। देखिए सभी चिकित्सा पद्धतियों का अलग अलग अपना महत्व होता है, तो आयुर्वेद का अपना महत्व है और अन्य चिकित्सकों का अलग महत्व है। तो यहाँ पर एलोपैथिक के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो देसी दवाएं हैं उनका भी यहाँ पे आपको इलाज अगर चाहिए तो डॉक्टर टेक भल्लव जो कि स्पेशलिस्ट हैं इनके द्वारा भी मिल रहा है।